नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अमरूद की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये हमने 3 अमरूद ले लिए हैं। ये थोड़ा सा एक कच्चा है और 2 पके हैं, छोटे छोटे से हैं। आप अपने हिसाब से अमरूद ले सकते हैं। धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्च, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो उसके हिसाब से। 1 चम्मच नमक और 5-6 लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियां ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हमने एक प्लेट ले ली है, अब हम अमरूद को कट करेंगे। तो इसका पहले इधर का पोर्शन निकाल देंगे, ऊपर का ये और इधर का भी। ये देखिए, और हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे बीच से। ये इस तरीके से इसके दाने निकाल लेंगे। अगर आपको पसंद है ये बीजे तो मत निकालिए, नहीं पसंद है तो निकाल दीजिए इस तरीके से। तो ज्यादा नहीं निकाल रही हूँ, हल्का हल्का ही निकाल रही हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे अमरूदों को कट कर लेंगे। तो हम मिक्सर में पीसेंगे। तो इससे हमने एक ये मिक्सी का जार ले लिया है और अब इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती। ये देखिए, हमने इसको धो करके और रख लिया था। और जो हमने लहसुन ली थी वो डाल देंगे 5-6। 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप ज्यादा भी ले सकते हैं, आपको जितना पसंद हो उसके हिसाब से। नमक, नमक स्वाद के अनुसार। और ये अमरूद, अमरूद को डाल देंगे इसी में। ये सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है और इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी पीस चुकी है। इस टाइम पे बहुत अमरूद आते हैं सर्दियों में, तो आप भी जरूर बनाइएगा चटनी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी चटाकेदार अमरूद की चटनी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।